बिलासपुर में अफसरों का मतदान, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुआ था। इसके बाद आज 19 नवंबर को दूसरे चरण का 70 सीटों में चुनाव हो रही है। बिलासपुर के मिशन स्कूल में बिलासपुर जिला कलेक्टर अवनीश सरन, बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, आयुक्त कुणाल दुदावत मिशन स्कूल मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग करें। 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए व दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर का बंदोबस्त भी किया गया है, जिसके लिए असिस्टेंट मदद करते देखा गया। आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में हम लोगों ने वोट दिया है, और खुद का वोट देने के साथ साथ मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि अभी शुरू हुआ है ये, और ये जब तक वोटिंग चलेगा आप लोग जाएं मतदान करें। मतदान को लेके अगर देखें तो पूरे ज़िले में व्यापक तैयारियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो या सुरक्षा की व्यवस्था हो, हर जगह है। अभी तक कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जिससे कि मतदान में व्यवधान हो। कहीं कहीं पे EVM या VVPAT या CU BU जो भी है उसके रिप्लेसमेंट की सूचना मिली है, वो जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत समय सीमा में रिप्लेस भी किया जा रहा है। हमारे सारे सेक्टर ऑफिसर्स, सारे तहसीलदार, सारे RO, ARO सभी लोग फील्ड में मुस्तैद हैं। ये हमारा जो कॉल सेंटर है जिले का भी, और सभी RO लेवल पे भी कॉल सेंटर बना हुआ है, उसके थ्रू हम लगातार जानकारियां प्राप्त हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें हमें आप सभी नागरिकों का भी सहयोग मिलेगा, बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें, और 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान। आज जिले में मतदान की प्रक्रिया जारी है। कल ही से सुरक्षा कर्मी जितने हैं बूथ पे पहुँच चुके हैं, और पिछले कई दिनों से पुलिस की टीमें लगातार अलर्ट में हैं, और हम लोग कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं जो लोग कोई भी असामाजिक तत्व हैं, ताकि आज सभी लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान कर सकें। मैंने भी आज परिवार के साथ यहाँ वोट दिया, और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस त्यौहार में अपना बहुमूल्य वोट देकर अपनी सहभागिता निभाएं। कितना बल लगा हुआ? पूरे ज़िले में लगभग 38 CAPF की कंपनियाँ और लगभग 1600 जवान, 600 विशेष पुलिस अधिकारी SPO जिसको बोलते हैं, उनका बल लगा हुआ है, और लगातार थानों में पेट्रोलिंग, SST, FST में भी जो बल लगा हुआ है, जो लोगों को एक सुरक्षा का भाव देने के लिए हर जगह तैनात है।